नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ गीतांजलि। अब होली का त्यौहार है तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप सभी को वेरी हैप्पी होली। और होली पर आपके घरों पर मेहमान भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं जिनके साथ मिलकर आप ये त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में घर पर खाने पीने का भी पूरा इंतजाम करना ज़रूरी है। तो आज कुछ खास रेसिपीज हम आपको बताने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं आप कैसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट शेफ संजय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गीतांजलि, आपका भी स्वागत है हॉलीडे इन होटल मयूर विहार में। जैसा जानते हैं, आज मैं आपको दो खास चीज बताना सिखाऊंगा, जो कि है ठंडाई और गुजिया। गुजिया और ठंडाई, वाकई में हर घर में लोग पसंद करते हैं ठंडाई का मज़ा लेना और गुजिया खाना। तो आज हम शेफ संजय से जानेंगे कि कैसे आसानी से अपने घर पर गुजिया बनाएं और ठंडाई बनाएं। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने रख रखा है, जिसको आप ब्लेंडर इजीली अवेलेबल है सब जगह। तो आप जैसे सामान है, पिस्ता, मगज, भिगोया हुआ बादाम, इन सभी को भिगोना ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। अगर आप इसको डायरेक्ट पीसेंगी तो फिर वो दानेदार रह जाएगा। तो बादाम और हम डालेंगे इसमें गुलकंद, फ्रेश पान के पत्ते, और इन सभी को आप इनमें थोड़ा सा दूध डालें ताकि वो अच्छे से पेस्ट बन जाए उसका। जी जी। और पहले जो प्राइमरी है उसको एक बार आप मिला लें अच्छी तरह से। अभी थोड़ा पिस गया है तो हम इसमें बाकी की चीनी तो डालना ज़रूरी है। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और फिर ये हमने केसर को भिगो रखा है। अच्छा। दूध में केसर का रंग निकालने के लिए आप उसे गर्म दूध में डालते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कलर आ जाता है इसका। थोड़ा सा और दूध डाल लें, अब इसे दोबारा पीस लें। तो अब सारे ये फाइनल इंग्रेडिएंट्स सब एक साथ अभी डन है। थोड़ा और पीस दें इसको तो अब बारीक हो जाएगा ये। ओके। पान की खुशबू, वाकई इट स्मेल्स लाइक पान। अब आप इसे ग्लास में डाल लें। थोड़ा होली है तो अपने ग्लास को आप कलरफुल कर लें। जी। तो ये सब सिरप है थोड़ा। तो ठंडाई तो हमारी बन गई है, लेकिन उसे प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा इसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं, ग्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा चॉप पिस्ता डाल दें गार्निश में। आपकी ठंडाई तैयार है बनकर। ओह वाओ, लुक्स नाइस। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये पान फ्लेवर की ठंडाई है, इसको पिस्ते से हमने गार्निश किया है। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है जो शेफ ने स्टार्टिंग में ही बताई थी,
जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उन्हें भिगो के रखना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, अच्छे से पिस जाएं और मुंह में आपको उसके जो दाने हैं वो ना आए। ये देखिए पान की ठंडाई बिल्कुल तैयार है और अपने गेस्ट्स को आप वेलकम करें तो ये ठंडाई पिला कर ही करें। अब मैं देखती हूँ कैसी बनी है शेफ। टेस्ट लाइक पान, पान की ठंडाई, बहुत ही टेस्टी है शेफ। चलिए अब ठंडाई तो हो गई लेकिन होली का जो मज़ा है वो गुजिया के बिना अधूरा है। अब भाई गर्मा गर्म गुजिया हो तो मज़ा ही दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब शेफ संजय से जानते हैं कि कैसे आसानी से आप घर पे गुजिया बना सकते हैं। शेफ हमें बताइए कैसे लोग घर पे मीठी मीठी गुजिया बना सकते हैं। गीतांजलि, ये सबसे बेसिक चीज़ है, आई थिंक होली में सारी गृहिणी जो है उनको तो गुजिया बनाना ही होता है। गुजिया बनाना मस्ट है, पर मैं आपको थोड़ा आज सिखा दूं ताकि आप भी उन बारीकियों को सीख जाएं। तो सबसे पहले हम खोया को थोड़ा भून लेंगे। इसमें दो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं गुजिया बनाने के, इसलिए हम पहले खोया भूनकर इसको ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम बाकी की ड्राई फ्रूट्स और चीनी को इसमें मिक्स कर देंगे। तो पहले हम खोया भूनेंगे, भूनने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसमें से हल्की सी वो खुशबू आएगी तो आप समझ जाएं और ये अपना कलर चेंज कर देगा थोड़ा बहुत, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का गोल्डन, हल्का गोल्डन। आप चाहें तो इसमें कसा हुआ नारियल भी मिला सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन है, जिन लोगों को नारियल पसंद है वो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो उनके लिए ऑप्शनल है वो नहीं भी डाल सकते। कई लोग इसमें सूजी को भी भून कर डालते हैं। अच्छा। वो भी कर सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कैसे हल्का हल्का जो कलर है वो, और इसे आप बराबर मिलाते रहें ताकि, अच्छा, ताकि जल ना जाए। अब ये तैयार है, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हमारा खोया ठंडा हो रहा है तब तक आइए हम इसका डो बना लेते हैं। तो डो के लिए हमने मैदा लिया है, आप मैदे में घी डालें, देसी घी, देसी जी, तो इससे मैदा बंध जाएगा जी और वो जो क्रिस्पीनेस होती है वो इसको अच्छी तरह से गूंदें तभी वो गुजिया में आती है। अब ये घी मिल गया हमारा, अब इसे हमें गूंदना होगा। चम्मच से उतनी अच्छी तरह से मिलेगा नहीं तो आपको थोड़ा सा थोड़ा मेहनत करना होगा और अच्छा खाने के लिए अच्छा मेहनत भी चाहिए। ऐसे मिला लें इसको अंदाज से, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लें। पहले मैदा में देसी घी डाल के उसे मिक्स करना है अच्छे से और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें पानी डालना है। पानी डाल के फिर उसे अच्छी तरह से मिला लें, तब जब तक कि उसे आप तब तक मिलाएं वो एक स्मूथ टेक्सचर आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ। हो जाए और ये अच्छी तरह से मिल जाए, थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें। तो जिस तरह से आप नॉर्मली आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आप मैदा गूंद लें। अब ये लगभग बनकर तैयार है।